सबके साथ नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे रिलेशन है, संबंध है, और नरेंद्र मोदी जी को सुझाव देना चाहिए ये काले कानून फौरी तौर पर वापस लें। इनके खिलाफ इल्जाम लग रहे थे वो खामोश बैठा हुआ था, उनको खुल करके किसान के हक में आना चाहिए। खेती कानूनों नू लेके जिथे किसानों वालों लगातार रिलायंस अते केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है, उत्थे अज रिलायंस वालों एक बयान जारी किया गया जिस विच उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नू लेके उन्हां दी कोई योजना नहीं। कंपनी ने यह भी एक बयान जारी किया कि वह कदे भी कारपोरेट खेती लई खेतीबाड़ी वाली जमीन नहीं खरीदी। कंपनी ने इत्थों तक कहा कि वह खेती वाली जमीन नहीं खरीदेगी। रिलायंस ने सोमवार को एक बयान जारी करते स्पष्ट किया कि वह किसानों तो सीधा अनाज भी नहीं खरीदी बल्कि सप्लायर MSP ते किसानों तो अनाज खरीदते हैं, जिस तो बाद पंजाब की सियासत च नवा भूचाल आ गया। कांग्रेस तो विधायक राजकुमार वेरका ने इस बयान नू लेके अपनी प्रतिक्रिया दी, जिस विच उन्होंने रिलायंस के इस बयान का स्वागत किया ते कहा कि जेकर कंपनी किसानों के हक विच है तो सीधा किसानों नाल आके क्यों नहीं खड़ी हुंदी। उन्होंने कहा कि रिलायंस कंपनी के प्रधानमंत्री मोदी नाल चंगे संबंध हैं, तां रिलायंस क्यों नहीं PM मोदी नू सुझाव दिंदी कि वह फौरी तौर पर इन कानूनों वापिस लैन, जबकि किसान इन्नी ठंड विच सड़कां ते ठिठुर रहा है इन कानूनों नू रद्द करवाउण लई। हाजी वीरका साहब, अज रिलायंस ने सफाई दी है कि वो किसानों के हक में है, उनके खिलाफ नहीं है, आपका क्या कहना है? देखो, अगर रिलायंस का बयान है तो हम स्वागत करते हैं कि वो कह रहे हैं कि किसानों के हक में है, और रिलायंस के साथ नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे रिलेशन है, संबंध है, और किसान सड़कों पे ठुठरा रहे हैं, मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, और किसान हित में रिलायंस को सामने फिर आना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को सुझाव देना चाहिए ये काले कानून फौरी तौर पर वापस लें, क्योंकि गलतफहमी इसलिए भी पैदा हो रही है कि रिलायंस जिनके खिलाफ इल्जाम लग रहे थे वो खामोश बैठा हुआ था, उनको खुल करके किसान के हक में आना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए कि ये काले कानून वापस लें। ब्यूरो रिपोर्ट, निरपक्ष पोस्ट। पंजाब अते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते, अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज। विजिट करो www.nirpakhpost.com।